एक औरत अजय देखिए कितनी वफादार है, अपने शौहर की कितनी इज्जत करती है कि कुछ भी कर लो आप, नाम पूछते पूछते थक जाइएगा, ये तोर भतारे नाम की जो बोल ली गए, शोहरे नाम की जो बोल ली, बोले नी क्या क्या बोलू, शोहरे नाम बोलूं तो निकाह टूट जावे। बोलती है ना औरतें कि शोहर का नाम लेंगे तो निकाह टूट जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने इजाजत दिया है कि वक्त जरूरत अपने शोहर का नाम बीवी ले सकती है, लेकिन हमेशा ना ले ये बेअदबी है। वक्त जरूरत शोहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे निकाह नहीं टूटता है। वक्त जरूरत बीवी अपने शोहर का नाम ले सकती। ऐसी एक औरत बिचारी अल्लाह की बंदी सीधी सादी घर में नमाज पढ़ रही थी, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई, कोई काम से गई, देखी वो नमाज पढ़ रही तो बैठ गई कि नमाज पढ़वे, तब बाहर बात यार से मिली बात करूं, तो वो सलाम फेरी, नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी अस्सलाम वालेकुम ऐ मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम ऐ मुन्नार बाप। जो औरत मिलने गई तो बोली की पागल है ये ने की थी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलवो ना मुन्नार बाप क्या बोला इसने, तो बोली नहीं नहीं हम जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए, दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, हम मुन्ना के बापे ठोक देते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, कुर्बान जाइए। और नौजवानों सुनो, अरे बीवी को अपने हाथों से लुकमा बनाकर खिलाना ये भी तो सवाब है, इसमें भी सवाब है, कभी अल्लाह तौफीक दे तो लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिला देना, ये नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुनो, अरे रूठना किसकी बीवी नहीं रूठती है मेरे भाई, कुर्बान जाओ रूठना ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, और रूठे हुए बीवी को मनाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हजरत आप नहीं समझते हैं, ये बीवी 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 को ज्यादा मुंह लगाइएगा ना वो सर पे चढ़ जाएगी। सर पे कहाँ चढ़ेगी भाई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाल्लाह, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा प्याला, जिस प्याले में पानी पीती थी अम्मा आयशा, कुर्बान जाइए प्याला पानी पीकर रखती थी, अल्लाह के नबी उस प्याले को उठाते थे, जिस जगह पे अम्मा आयशा मुंह लगाकर होंठ लगाकर पानी पीती थी उसी जगह पे अल्लाह के नबी अपने होंठ लगाकर पानी पीते थे। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाल्लाह। आज तो आलम यह है बीवी अगर पानी पी के रख दी, या शोहर अगर पानी पी के बदना बोलो न की बोल लोटा बदना रख देगी, दीवी बोलेगी तोर मुंह मा को होगा, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। देखिए घर सिर्फ सोने चांदी इसके सिक्कों से रुपयों से नहीं चलता, अच्छे अखलाक से घर चलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब रही बात यह है कि वो मेरी बीवी है, अच्छा ये बताइए भाई, गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है, बीवी अरे वो बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, अरे बीवी तो एक दोस्त है, एक अच्छा साथी है, बीवी हम सफर है, बीवी हमराज है, बीवी के जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा, बीवी के जैसा कोई दोस्त मिल सकता है, बीवी के जैसा कोई साथी मिल सकता है। हाँ अब रही बात यह है कि थोड़ी सी ये जो है कौम जेवार खुले नहीं बोलूं चंदो नहीं दीबे, एक औरत है फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, गुनहगार औरत, जहन्नमी औरत है, कुएं के पास खड़ी है, प्यास लगी है कि पानी पिएंगे, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। ये औरत अपना दोपट्टा खोलती है और मोजे में डालती है, कुर्बान जाइए इसी के दरमियान देखती है कुत्ता आ गया, वो कुत्ता प्यासा कुत्ता था, चिलचिलाती धूप है, कुएं के चारों तरफ ये कुत्ता घूमने लगा, ये औरत समझ गई कि कुत्ता प्यासा है, कुर्बान जाइए मोजे जूते के अंदर चमड़े का मोजा था, चमड़े में अपना दुपट्टा बांधी, कुएं के अंदर डाली, पानी निकाली, सबसे पहले कुत्ते को पिलाई, अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के अल्लाह गुनाहों को धोकर उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता है, और एक बात याद रखना कुर्बान जाओ, जो इंसान जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसी करनी बोलिए जैसी करनी। एक आदमी दुकान खोला,
अब दुकान खोल लिया चौक पर, मोहल्ले वाले को बोला कि रे भाया मी दुकान खोलिया ही नया नया, आज मोर घर नहीं द्वार मजलिस है, उस वो दुआ को रात ने सब लोग पहुंच गया कि भाई दुआ कर देंगे, दुकान खोला पता नहीं कौन चीज की दुकान खोला। सब जब पहुंच गया तो आदमी बोला कि भैया मी दुकान खोलिया ही और मी दुआ करूं अब तुमरा खाली आमीन बोलबो। बोला ठीक है दुआ कर हमरा आमीन बोलू। तो दुआ करने लगा या अल्लाह मेरे दुकान में बरकत दे दे, दे अल्लाह दुकान में ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह दुकान में इतनी बकरी हो बिक्री हो कि हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला रे आमीन कोई मत बोलना। बोला क्या भैया क्या? बोला नहीं नहीं ये कफन का दुकान खोला है, आमीन बोलोगे सब टपक जाओगे। बोलना चाहिए वही कफन की दुकान खोला है और कुर्बान जाओ मौजूद सामने कराम। इंसान अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा करना क्या है? बोलो गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना हराम है। और जो गुस्से को पी ले, जो गुस्सा को बर्दाश्त कर ले, जो गुस्सा को कंट्रोल कर ले वो कौन है? वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के कुरान तू बता दे, जो गुस्से वक्त अपना गुस्सा पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले वो कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है जो गुस्से को पी लेता है वो मेरा महबूब बंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। बोले तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह गुस्सा करेंगे भाई? गुस्सा करोगे? नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह गुस्सा करके बीवी को मारोगे? भाई देखिए कितने लोग तो बीवी को ऐसे मारते हैं लाठी लेकर के, बाप रे बाप, लोटा लोटा के मारता। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखिए सुभान अल्लाह बोल रहा, आमीन बोलो ना रे। अच्छा कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, इसको पते नहीं है। की बोलबो आमीन बोलीस है।